पूना पैक्ट समझौता पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच सायं 5 बजे हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस समझौते को कम्युनल अवार्ड के रूप में अनुमति दी। बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड सम्मेलन के तहत अपनी समाज के लिए मांग रखी थी कि दलितों के लिए 2 वोट का अधिकार चाहिए। इसमें 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का 1 प्रतिनिधि चुनेंगे। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो मतदान भी दलित का और उम्मीदवार भी दलित है। बाबा साहब की इस मांग का समर्थन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं किया। जब बाबा साहब ने अपनी समाज के लिए ये मांग रखी उस समय महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में थे। जेल से महात्मा गांधी ने पहले तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि इसको बदला जाए, इस प्रकार से दलितों को 2 वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने महात्मा गांधी की बात को नहीं माना और आम्बेडकर का समर्थन किया। जैसे ही गांधी को लगा कि इस फैसले को नहीं बदला जा रहा है तो मरण व्रत की घोषणा कर दी कि अगर इस फैसले को नहीं बदला जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बयान जारी किया कि गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखते हुए तो वह न्याय उचित था, लेकिन बात यह है कि उन्होंने दलित समाज को ही अपना विरोधी क्यों चुना। अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि महात्मा गांधी एक अमर व्यक्ति नहीं है, कई ऐसे महात्मा भारत आए और गए जिनका लक्ष्य अस्पृश्यता को समाप्त करना था लेकिन अछूत बने रहे। और साथ में ये भी कहा कि मैं एक गांधी को बचाने के लिए लाखों दलितों को नहीं मार सकता। देखते ही देखते पूरा हिंदू समाज बाबा साहब का दुश्मन होता जा रहा था। बाबा साहब को धमकियां मिलने लगी। अखबारों में बस एक ही खबर होती थी कि गांधी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो करो, क्योंकि एक और केवल डॉक्टर अंबेडकर अनपढ़ अचेतन और असंगठित दलित समाज, दूसरी तरफ पूरा उच्च हिंदू समाज। डॉक्टर अंबेडकर की हालत उस चिराग की तरह थी जो एक तूफान के सामने अकेले जूझ रहा था कि उन्होंने चलते रहना और उपेक्षित वर्गों को प्रकाश प्रदान करना था, उन्हें मंजिल तक पहुंचाना। 24 सितंबर 1932 को सायं 5 बजे यरवदा जेल पूना में, जहां महात्मा गांधी ने मरने का झूठा नाटक रचा, वहां बाबा साहब पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ समझौता किया। समझौते में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% रखा गया। लेकिन इस फैसले से डॉक्टर बाबा साहब बहुत दुखी हुए और बोले, पूना पैक्ट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है।